सबसे पहले मेरे कलीसियाओं जहाँ जहाँ पे हमारा हिंदी फेलोशिप का मंडली का संगठन है, उन प्यारे भाइयों को मैं और मेरे मिनिस्टर की तरफ से सभी को जय मसीह। आज हम लोग परमेश्वर के वचन हिंदी की भाषा में बोलने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट आया है और उन लोग कहता है कि हम लोग अभी गिरजा में जाने का समय नहीं है और ना ही गिरजा में संगठित है, इसलिए अगर हो सके तो ऑनलाइन सर्मन के तौर पे प्रभु का वचन सुनना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा प्रभु का इच्छा है तो मैं अवश्य से प्रभु का वचन बांटने का कोशिश करूँगा, और उसके साथ साथ मेरे को मदद करने के लिए डॉक्टर पॉली और उसका लड़का मलसोम ने ये ऑनलाइन सर्मन को वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे गॉस्पेल फॉर इंडिया चुरचांदपुर में है, उसके साथ में लांगजिंग क्रिश्चियन चर्च CRPF लांगजिंग सेंटर में है, उसके साथ में गैरेजन चर्च जो है मंत्री पुखरी में है, और सभी हिंदी फेलोशिप भाइयों आज हमें प्रभु का वचन को इस तरह से बांटना चाहता हूँ, क्योंकि COVID-19 का बहुत खतरनाक बीमारी अभी फैल रहा है और कोई कोई परिवार अपना एक साथ घर में प्रभु से दुआ करने का समय भी नहीं मिलता है, कोई कोई क्वारंटाइन सेंटर में है, कोई अपना फैमिली लाइन में है, और कोई उनका मर्द बाहर दूर जगह में भी है। उन सब भाइयों को मैं अपना नज़र रखते हुए मैं आज थोड़ी समय होने से भी प्रभु का वचन से सभी को पवित्र के रूप में भड़काना चाहता हूँ। तो आइए हम चलते हैं यशुआ की एक भाग और 6 और 7 अध्याय से हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। यशुआ chapter 1 verse 6 and 7। सबसे पहले अंग्रेजी में मैं पढ़ना आरंभ करूँगा, उसके बाद में मैं हिंदी से पढ़ने का कोशिश करूँगा, और मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ कि मेरा हिंदी भाषा इतना उचित स्पष्ट नहीं हो सकता है, परंतु आप सब मेरे हिंदी को समझने के लिए अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे। बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज फॉर टू दिस पीपल यू शैल डिवाइड एज ए इनहेरिटेंस द लैंड विच आई स्वर टू देयर फादर टू गिव देम। Only be strong and very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. क्योंकि जिस देश के देने के शपथ मैंने लोगों को पूर्वजों से आए था, उसका अधिकारों तू इन्हें करेगा, इतना ही कि तू हिया बनकर और बहुत दूर होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुही दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाए, तब जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे काम सफल होगा।
आइए हम सब प्रभु से दुआ करेंगे। आए पिता परमेश्वर, जो आपका वचन जो हम लोग ने पढ़ा है, इस वचन को ज्ञान प्राप्त करने के और आशीष पाने के लिए पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर दया करे। इन सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, आमेन आमेन। चले, ये बाइबल पढ़ने से हम लोग को ये याद आता है कि यहोवे ने किस तरह से मौसी को संभाला और मौसी को किस तरह से आगे ले जाने के लिए सहयोग दिया। और बहुत दुखी की बात है कि इस समय जोशुआ अकेले रह गया और मौसी जो है चल गया। तब इज़राइलों ने कहा कि हमारा महत्व पुरुष मौसी अभी नहीं है, तो अभी कौन है? यशुआ है। तो यशुआ ने जब अपने इज़राइलों को आगे ले जाने के लिए जब उसने तैयार कर रहा था, उस वक्त परमेश्वर ने यशुआ के लिए एक बड़ा महत्व वचन दिया है। और ये वचन ने कहा किस तरह से कहा, टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गुड ऑफ करेज, माने तू इतना इतना बंधकार और बहुत डर होकर बनते रहो, यानि तू बहुत तगड़ा हो जाओ और डरो मत, और जोशीला के साथ में तू आगे इज़राइल को लेकर जाना है। तो जब ये सब जो है यशुआ के पास परमेश्वर यहोवा ने बोला, तब उसने ये ख्याल आया कि ना ही जब चलते समय बाया मुड़ना यानी दाहिने मुड़ना, सीधा परमेश्वर के तरफ यहोवा की तरफ देखकर इज़राइल को आगे ले जाना वो महत्व कर्तव्य यशुआ के पास परमेश्वर ने दिया है। वैसे हम लोग भी आज कोरोना वायरस की इतना गंभीरता के समय में हम लोग दायां और बायां देखकर अपना जीवन को चलने से कभी भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आशीष भक्त नहीं पाएगा। इसलिए मैं हमारे कलीसियों से ये भड़काना चाहता हूँ कि इस गंभीरता और ये बहुत खतरनाक समय जो कोरोना वायरस का जो कीटाणु ने मनुष्य के जीवन में इतना गंभीरता से पहुँचाया और मनुष्य लोग मृत्यु होते जा रहा है, इस समय में अपना सुरक्षित करने के लिए हम लोग दाहिने और बाएं तरफ में ना देखकर हम लोग के सामने में प्रभु यीशु मसीह को नज़र रखने के लिए सभी से मैं निवेदन करता हूँ। इसलिए हेब्राई का 12 चैप्टर वर्स 2 में कहा, यीशु की ओर तकते रहे, यीशु की तरफ में हम लोग तकते रहे, नज़र रखते रहे। ये है सबसे महत्व हमारा परमेश्वर का वचन ने हम सबको भड़का रहा है। और यहाँ में हम लोग एक छोटा सा बाइबल की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन ये मिसाल के तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मत्ती का 14 भाग में, मत्ती का 14 भाग यानी मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 25 से लेकर 31 तक पढ़ने से हम लोग एक अजीब कहानी प्राप्त कर सकता है, यानी बहुत अजीब कहानी यहाँ हम लोग पढ़कर हम लोग जान सकते हैं। इस कलम में लिखा है, एक दिन परमेश्वर जो है एक झील के ऊपर
पानी के ऊपर चर रहा था। जब वो पानी के ऊपर जब चर रहा था, उसी समय नाव में पतरास और उसके साथी लोग ने दूर से देखा। जब देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है खुद बखुद ये लोग नहीं पहचान सका, क्योंकि पतरास लोग कहते हैं कि ये पानी के ऊपर चलने वाला जो है भूत है। जब भूत है बोल करके जब उनका विचार में घबराहट पैदा हो गया, जब ये घबराहट जब पैदा हुआ तो पतरास और उसका दोस्त लोग जो है नाव के अंदर में लोग अपना सिर झुका दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ये जानता है कि पतरास और उनके चेलों ये नाव पे आ रहा है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि तब पतरास नाव पर से उठकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा और देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उनसे कहा, अलाप विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, क्यों संदेह किया? ये परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरास से कहा। इस समय पतरास ने जब यीशु मसीह के पास नज़दीक से नाव जा रहा था तो उस वक्त पतरास ने यीशु मसीह को पहचान लिया। जब पहचानने के बाद पतरास ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं आप जैसे पानी में चलने के लिए पानी पर आज्ञा दे ताकि मैं पानी के ऊपर चल सके। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया, ये हुक्म दिया है कि पतरास अपना नाव से उठकर मेरे पास आ। जब मेरे पास आ जब बोला तो पतरास ने अपने दिल में ये भविष्य पैदा हुआ और उसने कहा, मैं कैसे पानी के ऊपर चल सकूं, इसलिए तू आज्ञा दे। यह बहुत ज़रूरी चीज़, सबसे पहले हमारा जीवन में, हमारा क्रिश्चियन के जीवन में हम लोग पर हमेशा प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा को प्राप्त करना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा को हम लोग प्राप्त करके अपने जीवन में गुजरने से कोई कठिनाई सामने नहीं पड़ेगा। इसलिए पतरास ने इस वक्त क्या कहा, जब उसने प्रभु यीशु मसीह ने पानी के ऊपर चला, उसी तरह जब चलने लगा तब सामने की तरफ में जब नज़र रखा तब तक कि पतरास ने पानी के ऊपर चलने का शक्ति मिला, मगर उसने जब दाहिने बाएं जब देखा तो हवा देखा, उसके बाद में वो पतरास घबरा गया। जब घबरा गया है तब क्या हो गया, पतरास को पानी झील में डूबने लगा है। वैसे हम लोग भी ये कोरोना वायरस का बहुत खतरनाक रोग जो फैल रहा है, इस समय हम लोग कभी कभी दिल में घबराहट पैदा होता ही है। ये घबराहट जब पैदा होता है क्यों, हम लोग अपना सामने में परमेश्वर यीशु मसीह को तरफ में नज़र नहीं रखता और यीशु की ओर तकते नहीं रखते हैं। तो इसलिए प्यारे भाइयों, हम सब प्रभु को विश्वास करके प्रभु की तरफ में नज़र रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए दुनिया का बहुत खतरनाक
और गंभीरता समय आएंगे, किसी भी तकलीफ दुख आएंगे, परंतु आप परमेश्वर की तरफ में अपना नज़र रखेंगे तो अपना समस्या और अपना तकलीफ दुख सभी को प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे। वही है हमारा यहोवा की प्रतिज्ञा। हमारा यहोवा प्रतिज्ञा के साथ साथ में हम लोग को सुरक्षा करता है। हमारा यहोवा हर हमेशा हम लोग के पास में रहता है और हमारा यहोवा हम सबको अपना चेलों को देखभाल करता है। इसलिए हम लोग दुखी के साथ नहीं बैठना है। आज अपना परिवार आप लोग सब मिलकर जोड़कर अपना घर में नहीं बसा सकता है, और कोई अलग जगह में है, कोई किसी और जगह में है, हम लोग ये भी हो सकता है, परंतु इसमें आपको दुखी होने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर आपका परिवार है उन पर भी परमेश्वर का आशीष बाग का नज़र हमेशा उनके पास में ही है। तो आए हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ में यशुआ के 1:8-9 तक में हम लोग फिर पढ़ना आराम करेंगे। यहाँ में बहुत महत्व बाइबल की शास्त्र ने हम सबको भरका रहा है, यानी जोशीला के साथ में भरका रहा है। इसमें ये कहा, ये पुस्तक इसमें दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि तो जो कुछ उसमें लिखा है उनको अनुसार करने के तू चौकासी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होगा और तू प्रभुशाली होगा। ये सब कहता है कि दिन रात परमेश्वर का वचन को ध्यान रखो, यानी परमेश्वर का वचन को पढ़ाई करो, परमेश्वर के वचन से आप शिक्षा प्राप्त करो, परमेश्वर के वचन से आप ज्ञान प्राप्त करो। बल्कि इस यहोशुआ के पास यहोवा ने बहुत भरका कर ये वचन दिया है। तो हम सब भी आज हमारा बाइबल को पढ़ना और हमारा बाइबल की तरफ से ध्यान देना ये बहुत आवश्यकता है। अगर हम लोग बाइबल नहीं पढ़ेगा और बाइबल में ध्यान नहीं देगा तो हमारा पवित्र के जीवन में शैतान ने अनेक प्रकार के किस्म से हम लोग को दुखी पहुंचा सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों, हम आज से ये कोरोना वायरस का लॉकडाउन के समय में भी अपना परिवार, छोटा परिवार बड़ा परिवार भी हो सकता है, और हम फौज में भी हो सकता है, और मैं कहीं में भी हो सकता है, परंतु अपना बाइबल के साथ में बैठकर बाइबल के वचन को ध्यान करने के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। इसलिए हम लोग बाइबल जब पढ़ेंगे उसमें 4 प्रकार के विधि को अभ्यास करना यानी प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बाइबल को पढ़ना, अंग्रेजी में कहता है रीडिंग। हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन अर्थ मालूम नहीं है। हम जब अर्थ मालूम नहीं है तो हमारा बाइबल ने क्या कहता है, प्रभु का यहोवा ने क्या कहता है, उसके बारे में हमारा कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए जब बाइबल पढ़ने से पहले प्रभु के पास में अपना माथा टेक कर प्रभु से दुआ करना है, प्रभु से दुआ करके प्रभु से ये कहना है, प्रभु मेरे पाप को तू क्षमा करे। अपना पाप को अपना मुंह से परमेश्वर के पास में हवाले करने से प्रभु ने सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा से अपने पाप को क्षमा कर सकता है। इसलिए हम बाइबल को ऐसे आसान से नहीं पढ़ना है, प्रार्थना के
रूप से हम परमेश्वर से बाइबल के द्वारा हम बातचीत करना है। जब बाइबल को पढ़ते समय दूसरा में बहुत जरूरी चीज है विश्वास। अपना परमेश्वर यहोवा को विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम विश्वास के साथ में ये बाइबल को पढ़ना है। अगर मैं विश्वास नहीं है इस वचन को तो फिर मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ने का कोई लाभदायक नहीं होगा। और तीसरा में ये कहता है कि जब जो बाइबल पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में हम विश्वास के साथ में बाइबल के वचनों को हम संक्षेप करेगा, यानी हम ग्रहण करेगा, उसके बाद बाइबल के वचन को हम नज़र करना है। बाइबल क्या कहता है और मुझसे क्या कहता है और प्रभु यहोवा मुझसे क्या चाहता है, ये सब जो है हमने यकीन करते हुए ये बाइबल का वचन के जो मुझ पर पवित्र आत्मा ने दिया उसके अनुसार मेरे जीवन को चलना है। और चौथे में जो परमेश्वर का वचन है उसको मैंने ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में उस वचन को अभ्यास करना है। ये अभ्यास हम करने से परमेश्वर का शक्तिशाला हमेशा हमारे ऊपर ही रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, दुखी में मत रहो, चिंतित में मत रहो, खुशियाँ के साथ में परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु यीशु मसीह को आराधना दो, यहोवा का सेवा करो। और आज दुखी और तकलीफ परिवारों को भी, आपके आसपास में भी हो सकता है, उन सभी के लिए अपने जीवन को कुर्बान करो, उनको सहयोग करो। जिसके पास में रोटी नहीं है, जिसके पास में कपड़ा नहीं है, जिसके पास में मकान नहीं है, उन आदमी लोगों के लिए भी आप दुआ करो। यह दुआ करके आप कुछ कर सकता है, कुछ चांद उठा सकता है। वो इस समय है आज, ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के अंडर में जितने दुखी तकलीफ गरीबियों को आपने मदद देना, उनको सहयोग देना, वो प्रभु यीशु मसीह का यहोवा का इच्छा है। वो इच्छा को हम सब खूब पूरी करने के लिए परमेश्वर हम सबको चाहता है। और आखिरी में मैं आप सब से ये विनती करता हूँ, मेरा विनती ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। जॉन की 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं हूँ, प्रभु का सेवाई और कोई मार्ग नहीं है, प्रभु का सेवाई और कोई सच्चाई नहीं है, प्रभु का सेवाई कोई और जीवन नहीं है। वो हमारा मार्ग है, वो हमारा सच्चाई है, वो हमारा जीवन है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ में हम लोग एक पुराना नियम में लिखा गया एक बाप और बेटा का कहानी हम सब सुनकर जानते हैं, वो है दाऊद और सलमान। दाऊद एक राजा है, एक बड़ा महान राजा है, परंतु वो राजा होने से भी वो सफल राजा और सफल व्यक्ति नहीं बन पाया, क्योंकि दाऊद युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाला, इंसान का खून करने वाला एक राज है। उस राज को परमेश्वर यहोवा ने जेरूशलेम का मंदिर को बनाने के लिए हमारा यहोवा ने दाऊद को मनाई किया है, इसलिए मनाई किया है, दाऊद तुम्हारा हाथ है अशुद्ध है, तूने बहुत से लोग का खून किया है, तूने बहुत से जीवन को मारा है, इसलिए आप हमारा मंदिर बनाने के लिए काबिलियत नहीं है। तब दाऊद का पुत्र सलमान को
हमारा यहोवा ने हुक्म दिया, अब तुम्हारा पिताजी गुजर गया है, तब अभी यरूशलेम का मंदिर बनाने के लिए तुमसे मैं हुक्म देता हूँ। तब यहोवा ने सलमोन को इस्तेमाल करके हमारा यरूशलेम मंदिर जो है फिर उठा सका। वैसे सलमोन के जीवन में यहोवा की सेवा करने में सफल पूर्वक पाया है, उसी तरह हम सब के जीवन में भी परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का गिरजा को हम लोग बनाने में हम लोग को परमेश्वर ताकत और शक्ति देना चाहता है। सबसे आखिरी में यहाँ में लिखा है हेब्राई का 11:40 और प्रभाव का 37:5 और फर्स्ट पीटर का 2:9-10 अध्याय में इस तरह से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी यास की समास पवित्र लोग परमेश्वर की अंधकार में से अपना अधेरित ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्यारे भाइयों, हम लोग गरीबी हो सकता है और हमारे शरीर में बीमारी भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, परंतु उसमें हम लोग चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको चुन लिया है, उसने चुना एक राज का पधारी के लिए और यास का समास पवित्र लोग बनने के लिए। तो आज परमेश्वर को महिमा करे और उसके गुण को प्रकट करे। ये सब बातें हमारा यीशु मसीह हम सबको अभ्यास करने के लिए चाहता है। तो परमेश्वर आशीर्वाद दे। मैं दुआ करूँगा, मेरा ये वचन अंतिम में आ गया है, तो मैं जहाँ जहाँ पर मेरे कलीसियों प्यारे भाई बहनों अपना अपना स्थान में बैठ करके मैं दुआ करूँगा, अपना हृदय में पवित्र आत्मा ने सोकर आपका चिंतित को पूरा निकल कर अपना रोग को अपने बीमारी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करे। आए हम प्रार्थना करते हैं। आए पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाता हूँ जो आज का ये ऑनलाइन सर्वन में अपना सुसमाचार जो सुना है उनके हृदय पर पवित्र आत्मा का शक्ति दे। पिता परमेश्वर, किसी का हृदय में दुखी भी हो सकता है और बीमारी भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकता है, चिंतित भी हो सकता है, मगर अनेक प्रकार की समस्या जो भी हो, उन समस्या और उन बीमारियों को हमारे यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दो और दुखियों को सुखी दे और खुशियाँ के आत्मा दे, ताकि हर हमेशा परमेश्वर को स्तुति कर सके। इन सब बातें हमारा पाप से उधार देने वाला एकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। आमीन।